हेलो, वेलकम टू किड्स लर्निंग एंड फन। आज हम इस वीडियो में थ्री लेटर वर्ड कैसे पढ़े जाते हैं साउंड के साथ में, वो हम देखने वाले हैं। जो थ्री लेटर वर्ड्स हैं वो ए ई आई ओ यू के वर्ड हैं, जो ये वॉवल्स कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आज इन पांच अल्फाबेट के साथ में जो थ्री लेटर वर्ड्स बनते हैं और उनको कैसे बोलते हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओ, प ओ ट, पोट, ह ओ ट, हॉट, क ओ ट, कॉट, ल ओ ट, लॉट, न ओ ट, नॉट, ड ओ ग, डॉग, ड ओ ट, डॉट, फ ओक्स, फॉक्स, म ओ प, मॉप, ट ओ प, टॉप, न ओ ड, नॉट। ऐसे करते हैं, क ए ट, कैट, ए होता है इसका साउंड, ब एट, बैट, म एट, मैट, र एट, रैट, ह एट, हैट, ब एग, बैग, ब एन, बैन, क एप, कैप, म एप, मैप, ल एप, लैप। ये हम बच्चों को रीडिंग करवाएंगे थ्री लेटर्स देन फोर लेटर्स, तो उनको धीरे धीरे रीडिंग करना आ जाएगा। ई का देखते हैं, ह ई न, तो ई का जो साउंड होता है वो ए भी होता है, ए, और ई भी होता है, तो हम यहाँ पर ए पढ़ेंगे, हैन, म एन, मैन, प एन, पैन, ए का ए होता है और ई का ए होता है, ज एट, जैट, स एट, सैट, प एट, पैट, म एट, मैट, ट एन, टैन, न एट, नैट, ब एट, बैट, र एट, रैट, र एट, रैट, ग एट, गैट। ये इसे बनने वाले थ्री लेटर वर्ड्स हैं। आई का देखते हैं, आई का साउंड होता है ई और आई भी होता है, हम यहाँ पर ई वाले पढ़ेंगे, ल ई ड, लीड, क ई ड, ईड, ह ई ट, ईट, व ई न, वीन, प ई न, तीन, ब ई ग, बीग, व ई ग, वीग, स ई ट, सीट, प ई ट, पीट, म ई ट, मीड, ज ई ग, जीग। यहाँ पर आपको बहुत सारे थ्री लेटर वर्ड्स मैंने दिखाए हैं, आप बच्चों को इनकी प्रैक्टिस जरूर करवाना। यू का देखते हैं, यू का जो साउंड होता है वो आ होता है, म आग, माग, ह आग, हाग। जो ये सीवीसी वर्ड है, सीवीसी कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, इनके जो फोनिक साउंड है उनकी वीडियो भी मैंने दी हुई है, वो आप जरूर देखना। जिससे कि क्या होगा, जैसे एस का साउंड क्या होता है, सा, जे का साउंड ज, प, पी का साउंड प, तो इसके लिए मैंने वीडियो शेयर की हुई है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। ज अग, जग, फ अन, फन, र अन, रन, स अन, सन, ब अस, बस, न ह अट, हट, ब अग, बग। हमें इसकी बच्चों को प्रैक्टिस जरूरी है करवानी चाहिए, क्योंकि उसी से बच्चों को रीडिंग आएगी और वो बहुत अच्छे से फोनिक साउंड के साथ में पढ़ना सीख जाएंगे और उनको रीडिंग जल्दी से आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पर थ्री लेटर वर्ड्स शेयर किए हैं, काफी सारे वर्ड्स हैं ये, मैं इसका जो पिक है वो मैं आपको दूंगी, जिससे कि आप बच्चों को प्रैक्टिस घर पर करवा सको। ये आप हर रोज अगर एक लाइन भी बच्चे पढ़ते हैं या हाफ भी पढ़ते हैं ना, तो उनका रीडिंग पावर बहुत अच्छे से होता है। आप उनके साथ में एक दो बार पढ़ो, फिर उनको खुद को पढ़ने दो, तो उनको रीडिंग आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है, ये मैंने वॉवल्स के यहाँ पर शेयर किए हैं, आगे मैं कॉन्सोनेंट के भी करूंगी। ओके, इसकी प्रैक्टिस आप घर पर जरूर बच्चों को करवाना। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।